बताते हैं ना मतलब yeah. मे नाना नानी ना, सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा अगर आप नहीं पढ़ोगे नई दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है उनके पास कुरान से आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली तो मतलब कुरान पढ़वाना उर्दू अरबी क्लासेस नमाज सीखना ये वो बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड आई नेवर बिलीव इन बस है तो है हर रिलीजन का यही है अब ये है तो है और आप पूछो क्यों नहीं पता कितने आराम से खुदा का इनकार कर देते हैं कहते हैं आपका एक नजरिया है भाई मेरी अपनी एक राय है मैं नहीं मानता कोई गॉड है आपकी एक अपनी थ्योरी है हर आदमी अपनी अपनी थ्योरी पर अमल करे कहते हैं ना बड़े आराम से कुरान इंसान की नफसियात को समझता है जब भी हम ये आयतें सुनते हैं कि ऐसे जंजीरों में जकड़ के उसको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा तो फौरन इंसान कहता है कि अल्लाह